गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टूडेंट्स हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? ठीक है? और आपकी पढ़ाई सब ठीक चल रही है ना बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका जीके एंड ईवीएस क्लास शुरू हो चुका है। अभी आपका ईवीएस क्लास है, तो बच्चों आज आप लोग ईवीएस में पढ़ेंगे नीड ऑफ वाटर। ओके, नीड ऑफ वाटर यानी कि पानी की आवश्यकता। आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में पानी की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर। ओके, तो बच्चों लाइक केयर और लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। लाइक एयर और लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। हवा की तरह हम सभी प्राणियों को पानी की भी बहुत ही आवश्यकता होती है। जिस तरह से बच्चों हम हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग पानी के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमें पानी को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हम पानी के बिना बिल्कुल ही नहीं जीवित रह सकते हैं। जिस तरह से हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए बच्चों हमें पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, हमें पानी को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। जितना हमें आवश्यकता है, जितनी जरूरत है पानी का, उतना ही हमें पानी को गिराना चाहिए। ठीक है, ये ना कि जितना जरूरत कम है और पानी को ऐसे फेंक रहे हैं, टैप ऐसे खुला छोड़ दिए हैं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी की हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोर्ड पे लिखवाई हूँ, 5 पॉइंट्स मैं आपको बताई हूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर, पानी की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पानी की क्या जरूरत है? हम लोग पानी को पीते हैं, हमें पानी को पीना आवश्यक है। ठीक है, पानी पीना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हमें पानी की जरूरत क्या चीज में है? पीने में। ओके, हम लोग बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वी नीड वाटर फॉर बाथरूम। वी नीड वाटर फॉर बाथरूम, हमें पानी की आवश्यकता है क्या चीज के लिए? तो नहाने के लिए। बाथरूम यानी नहाने के लिए, हम लोग बिना पानी के नहीं नहा सकते हैं, इसलिए हमें नहाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, वी नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड, हमें पानी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? खाना बनाने में। ठीक है, जब हम खाना बनाने के लिए किचन में जाते हैं, तो वहां बिना पानी का कोई काम नहीं हो सकता है। कुछ भी हम बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, हर खाना बनाने में हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है वी नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड। ओके, आपका 4 पॉइंट है, वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, हमें पानी की और कहाँ आवश्यकता पड़ती है? कपड़ा धोने में। जब हम कपड़ा को वॉश करते हैं, तो हम बिना पानी के कपड़ा वॉश नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें कपड़ा धोने के लिए पानी की जरूरत है। ओके, आपका 5 पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स। वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, जब आप बर्तन धोते हैं, जब हम लोग बर्तन धोने जाते हैं किचन में, तो हमें बर्तन धोने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? पानी की। जब पानी नहीं रहेगी, तो हम बर्तन कैसे धो पाएंगे? नहीं धो पाएंगे ना, इसलिए बच्चों
हमें बर्तन धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, घरों की सफाई के लिए बर्तन धोना है या किचन की सफाई है, किचन का काम है, तो हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, पानी के बिना कोई काम नहीं कर सकते, यानी कि पानी के बिना मेरा जीवन, हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। ठीक है, पानी के बिना हम अधूरे हैं, पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं, पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 5 पॉइंट आप लोग नीड ऑफ वाटर याद करेंगे, इसको लर्न करेंगे, पढ़ना सीखेंगे और अपनी कॉपी में इसे सुंदर अक्षर में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ 5 पॉइंट आपको दिया गया है नीड ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैं फिर से आपको एक बार आग्रह करूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पानी व्यर्थ ना बहाएं, सेव वाटर एंड सेव लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका क्लास ओवर हो चुका, बाय एंड हैव नाइस डे।